हमारी तो कोशिश है कि भाई सब लोगों को लेकर के साथ चले, सब लोगों का उत्थान हो। आज नियुक्ति पत्र भी आज आपने बांटा है, आप अपने जन्मदिन के दिन कई लोगों से। नहीं नहीं, जाहिर सी बात है, दो अलग विभागों का आज नियुक्ति पत्र वितरण था, तो जितने नव नियुक्त जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिली है, तो हम लोगों की तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही ना भाई, कि जो सबसे युवा प्रदेश देश का, वहाँ बेरोजगारी से हम लोग लड़े, कम से कम सरकारी नौकरियां मिले और जो खाली रिक्त पद हैं उसको भरा जाए, तो उस काम में हम लोग लगे। अपने जन्मदिन के अवसर पे आप भाजपा से कुछ उपहार भी चाह रहे हैं। नहीं, हम क्या चाहेंगे, विशेष राज्य की दर्जा की आपने बात की, सवाल लोगों ने पूछा कि देगा तो क्या मांगिएगा, हम बोले कम से कम बिहार का अधिकार है, जो बनता है विशेष राज्य का दर्जा वही दे दे, सब लोगों का कल्याण हो। ये पहला जन्मदिन है शादी के बाद जो है, कितना खुशी है। अब जान रहे पिताजी वही हैं, फिर मम्मी को भी जाना है, तो साथ ही सिंगापुर ही लोग जाएगा, तो दो तीन महीने बाद ही आएगा, तो लालू जी के साथ इस्लाम जा करेंगे आज जन्मदिन। आशीर्वाद देंगे, आप सब लोगों को शुक्रिया, आप सब लोग, सब लोगों को शुक्रिया, और सुबह से लोग जो है बधाई दे रहे हैं। हम इतना ज़रूर कहेंगे कि भाई जो जिम्मेवारी मिली है और जो लोगों को विश्वास है और जो उम्मीद है उस पर हम खड़े उतरें, लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेवा कर सकें, और ये तो अभी शुरुआत है, जो मौका मिला है सेवा करने का ये तो शुरुआत है, और हम लोग चाहेंगे कि भाई हर लोगों का हम लोग ध्यान रखें, और इसमें तो हम ज़्यादा कुछ आज के दिन हम मौके पर नहीं कहेंगे, लेकिन सभी लोगों का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, समर्थन मिला है, तो हम तो चाहेंगे कि भाई जो हमारा बिहार राज्य है और जो बिहार के जो नौजवान हैं, जो सबसे बड़ा दुश्मन जो बेरोजगारी है, उस दिशा में हमारी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि कुछ दिनों बाद आप लोग सब लोगों को पता है, एक बड़े आंकड़ों में, लाखों के आंकड़ों में लोगों को नौकरी और रोज़गार मिले। हम लोग तो यही ना चाहते थे भाई कि जो देश में जो बेरोज़गारी का हालात है, जहां बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो उस दिशा में हम लोग काम करें, तो हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में पहली नहीं बल्कि गंभीरता से कदम उठा रही है और अंजाम दे रही है, और लगातार नियुक्ति पत्र वितरण जो है हम लोग कर रहे हैं, उसी का नाम बिहार सरकार का देखा देखे अनुकरण जो है भारत सरकार कर रही है नियुक्ति पत्र, तो हम लोग भी अपने एजेंडे पे उनको लाए हैं, और यही काम होना चाहिए, सब सरकार का दायित्व है। उसने तो आज हमने पूछा कि बिहार में तो नौकरियाँ हम लोग दे रहे हैं, रिक्त पदे भर रहे हैं, कितना खाली है ये भी बता दिए, लेकिन केंद्र सरकार में, पूरे भारत सरकार में कितना खाली है, पद रिक्त है, जरा इसकी सूचना देनी चाहिए लोगों को। कौन सा नियुक्त, कौन सा क्या बांट रहे हैं वो पहले से? आप अखबार खोलते हैं तो बहाली निकल रही नहीं निकल रही, और जो पहले से जो प्रक्रिया थी उस पर हम लोगों ने तेजी लाई और नियुक्ति पत्र डाल, यही तो फर्क है ना। जो लोग घर बैठे रहते थे, जिनको लोगों के रोजगार देने से कोई मतलब नहीं था, विलम्ब हुआ तो अपने ही आपको बोल रहे ना कि हमसे देरी हुई, जो लोग अगर कह भी रहे हैं उनका क्या देन है, वो तो बाल ही उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, लेकिन प्रक्रिया तो बीजेपी के, आप बता स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य मंत्री बीजेपी का था ना, क्यों नहीं कभी बोले कि 1.5 लाख नौकरी हम देंगे, हम ही आकर के क्यों बोल रहे हैं? जितना दिल्ली में या और मेट्रो सिटीज में है वहाँ हर जगह है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि एयर क्वालिटी जो है वो कैसे बेहतर हो, इसमें सरकार के साथ साथ लोगों का भी योगदान की ज़रूरत है, तो जहाँ भी पोल्यूशन हो या साफ सफाई हो उस पर हम लोग
अब तो देखिएगा पट्टा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का साफ सफाई में रैंकिंग जो है 3-4 लेवल बढ़ा है, मतलब बेहतर हुआ है। तो इस दिशा में हम लोग फोकस कर रहे हैं और अभी डेंगू की भी जो घटनाएं हैं वो कम हुई हैं। तो ये तो हम लोग काम कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, लेकिन पोल्यूशन सब लोगों को, ऑल काइंड ऑफ पोल्यूशन, नॉट जस्ट एयर पोल्यूशन।